ये हमको चेताना भी है प्रशासन को कि इस तरीके की घटना अगर होती है तो हम दोबारा से एक तीव्र आंदोलन खड़ा करेंगे। तो साथियों, हम सभी लोग आज की इस घटना पे शोक व्यक्त भी करते हैं कि इस तरीके से हमारी एक बच्ची, हमारे एक मोहल्ले की छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके से गलत हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही पीड़ा और दुख वाली। सभी अपने अपने घरों से निकले इस घटना के प्रतिरोध में। आज ये जो घटना शर्मनाक घटना ऊषा गाड़ी विराट नगर के अंदर हुई है, आज घटना थी और आरोपी पे किस तरह की कार्रवाई की गई। रात में एक सूचना आई थी, थाने में रिपोर्ट करने आई थी, 4 साल की बच्ची कोई है, उसके साथ कोई बलात्कार का मामला आया था, जिस आरोपी ने बलात्कार किया था उसको पकड़ लिया गया है। जो नया एक्ट बना है पॉक्सो, उसकी धारा 5-6 एवं 376 दो में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये पूरे मानव समाज पे कलंक है और इसका जो भी अपराधी है उसको, जैसा कि विधानसभा में अभी कानून पास हुआ कि उसको फांसी की सजा दी जाए, और ये जो प्रकरण है इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चले और 2 महीने के अंदर जैसे भोपाल की घटना का निर्णय आया है वैसा ही इस विराट नगर की घटना का भी निर्णय आए। जैसा कि आपको मालूम है कि जो घटना छोटी बच्ची के साथ हुई थी उसकी उम्र 4 साल थी, उसके माता पिता ने आकर थाने में 11 बजे करीब रिपोर्ट की, घटना करीब 9 बजे की बताई गई थी। जितनी देर में FIR कंप्यूटर में कंप्लीट हुई उतनी देर में हमने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद में जो 2 धाराएं प्रमुख होती हैं, पॉक्सो एक्ट जो नया बना है और 376, इन दोनों धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके उसे गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि माननीय विधायक साहब ने बताया है कि मध्यप्रदेश सरकार ने एक एक्ट पारित किया है जिसमें कि 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ कोई दुष्कर्म करता है उसको मृत्यु दंड का प्रावधान मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वर्दी जरूर पहनी है, लेकिन जब बच्ची को आपने शायद ना देखा होगा, जब बच्ची को आप देखते तो मेरे बस में होता तो मैं वो कानून भी हाथ में ले लेता जो मुझे लेना चाहिए। की सीमाएं होती हैं, हम कानून से बंधे हुए हैं। आप अगर बच्ची को देखते तो आपको बिना देखे जितना रोष आ रहा है उस समय उस बच्ची की हालत देख के क्या लगा होगा कि आप तो बेकाबू हो जाते। मुझे आपसे कोई वो नहीं है कि आप लोग इकट्ठे क्यों हुए। डेफिनेटली आपने बिना देखे जब इतना रोष है, मैं एक अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह आपने यहाँ पे अपना संवेदनाएं व्यक्त की हैं, अगर यही संवेदना हमारे ट्रायल में आपने साथ दिया, इनके पिताजी से पूछो, हम सब आपके साथ हैं, इनके पिताजी हम तुम्हारे साथ हैं, इनके पिताजी स्वयं रिपोर्ट लिखाने आए थे, उस बच्ची की हालत देख के दोनों रो रहे थे माता पिता। सही बात है कि नहीं, बताओ। हमने तुरंत गिरफ्तार किया उसको, उसको करने के बाद जो आपने संवेदनाएं आज दिखाई हैं, ये संवेदना धरातल की नहीं है। संवेदना जब आपकी मानी जाएगी, इसी तरह आप जब कोर्ट में ट्रायल हम जल्दी जल्दी चलाएंगे, उसी तटस्थता से अगर आपने बयान दे दिए तो जैसा माननीय विधायक साहब ने बताया है, नए एक्ट के तहत जो भी प्रावधान दंड का कठिनतम होगा वो उसको मिलेगा। हम सब एक साथ